ऑलराइट गाइस, तो आ चुका है फेस्टिव सीजन और इस फेस्टिव सीजन में आपको स्मार्टफोन्स में जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो कंफ्यूज हो कि यार कौन सा स्मार्टफोन खरीदे, इतने सारे स्मार्टफोन हैं। तो वेल, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट स्मार्टफोन्स बताने वाला हूं और इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एंट्री लेवल, दूसरा है दोस्तों बजट जो कि 15,000 के आसपास है, और तीसरा है दोस्तों मिड रेंज जिनका बजट यहां पर अंडर 20,000 रुपीज है। तो इन तीनों में अगर आपका कोई भी बजट हो तो आप अपने हिसाब से अपने लिए एक नया और बेस्ट स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं। तो जब बात आती है दोस्तों एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन की, तो सच बताओ तो मेरी नज़र में अभी फिलहाल सिर्फ Realme के स्मार्टफोन ही आते हैं। और Realme के दोस्तों कुछ स्मार्टफोन है जैसे कि Realme C11, C12 और C15। इनफैक्ट दोस्तों अभी यहाँ पर Realme फेस्टिव सीजन के दौरान दोस्तों यहाँ पर आपको इस इन फोन्स में यहाँ पर 500 से 1,000 रुपये तक का भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक नज़र अगर आप Realme C11 पे डालोगे तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक बड़ी HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, मेटेक हीलियो G35 प्रोसेसर मिल जाएगा, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है अभी फिलहाल चल रहा है 7499। लेकिन दोस्तों ये Realme फेस्टिव सीजन के दौरान यहाँ पर आपको 6999 में मिलेगा, यहाँ पर आपको 500 rupees का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो भी Realme की तरफ से ही है एंट्री लेवल में, जो कि है Realme C12, और इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर सेम चीज़ देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर आपको एक ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा, और साथ में यहाँ पर आपको एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी Realme C11 के मुकाबले। तो अगर दोस्तों आपका जो बजट है वो 7,000, 8,000 या फिर 9,000 के नीचे है तो ऐसे में डेफिनेटली आप इन दोनों फोन को चेकआउट कर सकते हैं और इन पर आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे इन फेस्टिव सीजन के दौरान। तो यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, साथ में आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड कैमरा भी मैं कहूंगा कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो या ये कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है अगर आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो बजट है, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो, मतलब अगर आप 10,000 rupees कर सकते हो, तो यहां पर आप Realme C15 के साथ भी जा सकते हैं। और 3GB RAM 32GB वेरिएंट के लिए दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 9999, और आपको फेस्टिव सीजन के दौरान दोस्तों ये मिलेगा 8999 में, यानी कि आपको 1,000 rupees का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप दोस्तों बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली यहां पर आप इस Realme C15 के साथ जा सकते हैं, वरना अगर आपका जो बजट है बहुत ही टाइट है, मतलब 7-8,000 rupees यहां पर आप यहां पर स्पेंड कर सकते हैं किसी स्मार्टफोन में, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन में, तो डेफिनेटली आप Realme C11 या फिर C12 के साथ जा सकते हैं, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको Xiaomi के फोन पसंद है तो यहाँ पर 10,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको Xiaomi का Redmi 9 Prime मिल जाएगा। इस पर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं, इसमें आपको FHD+ डिस्प्ले मिल जाती है, 5020 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है यहाँ पर, साथ में आपको मेटेक हीलियो G80 प्रोसेसर मिल जाता है यहाँ पर, तो आप इस फोन पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। लेकिन फेस्टिव सीजन के दौरान आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो ये फोन भी आपको 10,000 के आसपास मिल जाएगा। तो इस फोन पर भी आप एक बार नज़र डाल सकते हैं अगर आपको Xiaomi के फोन पसंद है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है 15,000 rupees, और 15,000 rupees में दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई थिंक मेरी नज़र में एक ही स्मार्टफोन है जो मैं 15,000 के अंडर आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, और वो है Realme 7, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको 6.5 इंच की एक फुल HD+ 90Hz डिस्प्ले मिलती है, 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा मिलता है सोनी IMX682 सेंसर के साथ, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और एक पावरफुल मिलीटेक हीलियो G95 प्रोसेसर दिया गया है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 14999, और 14999 में आई थिंक मेरे ख्याल से Realme 7 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मैं कहूँगा। हाई रिफ्रेश रेट, ज़बरदस्त कैमरा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, फास्ट चार्जर, और मिडटेक हीलियो G95 जैसा एक पावरफुल चिप जो गेमिंग के लिए बेस्ट मैं कहूँगा इस प्राइस पॉइंट पे। तो या 15,000 में ये मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है Realme 7। बट फिर भी आप दोस्तों एक दूसरे ब्रांड पे नज़र डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक और फ़ोन मिल जाता है अंडर 15,000 rupees में, जिस पर आप नज़र डाल सकते हैं, जो कि है Poco M2 Pro। Poco M2 Pro भी अंडर 15,000 rupees में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, तो इस पर भी आप नज़र डालोगे तो इस पर भी आपको स्पेक्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको Xiaomi के फ़ोन पसंद है तो यहाँ पर आप दोस्तों आप Xiaomi का Redmi Note 9 Pro इस पर भी एक नज़र डाल सकते हो, ये भी एक काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन मैं कहूँगा यहाँ पर। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 rupees, और अंडर 20,000 rupees में भी मेरी नज़र में बहुत सारे स्मार्टफोन हैं। ओप्पो के हैं दोस्तों यहाँ पर, पोको का भी है, इसके अलावा Realme का है, सैमसंग का है। तो अगर आप ओप्पो के फ़ैन हो, आपको ओप्पो का फ़ोन चाहिए, तो भैया अभी हाल ही में ओप्पो का एक फ़ोन लॉन्च हुआ था, Oppo F17, आप इस फ़ोन पर एक नज़र डाल सकते हैं। नो डाउट अगर आपको दोस्तों सिर्फ ओप्पो के ही फ़ोन पसंद है और स्लिम फ़ोन, एक स्टाइलिश दिखने वाला फ़ोन चाहिए, तभी आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं।
गेमिंग के लिए सोच के इस फोन के साथ कभी मत जाइएगा। कैमरा अच्छा है, सेल्फी अच्छी है यहाँ पर, और बाकी इसका डिजाइन बढ़िया है इसमें। नेक्स्ट स्मार्टफोन यहाँ पर दोस्तों मैं कहूँगा कि पोको, यस पोको को हम कैसे बोल सकते हैं, तो अभी पोको ने हाल ही में लॉन्च किया था अपना पोको X3, तो ये स्मार्टफोन भी अंडर 20,000 रुपीज़ में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, तो इस पर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। पोको X3 है, एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है यहाँ पर, बस मुझे एक कमी लगी दोस्तों, जो फ़ोन है हैवी है और काफ़ी ज़्यादा मोटा भी है, बल्कि है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को बल्कि फ़ोन मोटे फ़ोन बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो ये एक कमी है। बाकी ओवरऑल नो डाउट काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है पोको की तरफ से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको काफ़ी बढ़िया स्पेक्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ आगे बढ़ते 20,000 रुपीज़ में, तो ये है सैमसंग लवर के लिए। बहुत सारे सैमसंग लवर है जिसे सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए, भैया उनके लिए है सैमसंग का ये M31S स्मार्टफोन। यस अंडर 20,000 रुपीज़ में सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कहूँगा। ज़बरदस्त कैमरा आपको देखने को मिलता है, ज़बरदस्त डिस्प्ले और ज़बरदस्त बैटरी आपको देखने को मिलती है। ये तीन चीज़ अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी है, डेफिनेटली आप यहाँ पर सैमसंग के M31S को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर सैमसंग लवर के लिए मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, तो ये भी अंडर 20,000 रुपीज़ में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। अब क्या बचा है, ओ इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं यार, जो कि है Realme 7 Pro। ये मैं कहूँगा कि अंडर 20,000 रुपीज़ में, इनफैक्ट अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। 20,000 रुपये में दोस्तों आपको Realme 7 Pro में 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सोनी IMX682 सेंसर के साथ, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh की बैटरी जो आता है 65 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। सो यार सच बताऊँ तो Realme 7 Pro से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ, मतलब एक कंप्लीट पैकेज मैं कहूँगा अंडर 20,000 रुपीज़ में, मतलब 20,000 रुपये में Realme 7 Pro एक कंप्लीट पैकेज है। आपको एक ज़बरदस्त सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, फ़ोन भी स्लिम है, इसके अलावा कैमरा भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है, सेल्फी कैमरा भी ज़बरदस्त कहूँगा, और जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप गेमिंग भी कर सकते हैं हाई सेटिंग्स में, एंड इसके अलावा दोस्तों आपको बैटरी बैकअप भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, बट जो चार्जर है वो 65 वॉट का है जो आपको फ्लैगशिप में देखने को मिलता है। यस तो वो चीज़ आपको 20,000 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है Realme, तो इसके लिए मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। सो नो डाउट अंडर 20,000 रुपीज़ में ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, तो अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप Realme 7 Pro पे एक नज़र डाल सकते हैं, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा इतना मैं कहूँगा। सो ये दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़ एंट्री लेवल स्मार्टफोन, या फिर कह लो अंडर 15,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़, जो भी बेस्ट स्मार्टफोन थे मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो भी अच्छा लगे, आपकी जो भी चॉइस है आप खरीद लीजिए। यस और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है सभी कैटेगरी में, आपके हिसाब से नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर दबा के रख लेना, कुछ भी सवाल नीचे कमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया पर जाकर फॉलो कर लो, मैसेज कर लो, ट्वीट कर लो, वहाँ पर जाके आप सवाल पूछ सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।